जिस प्रकार किसी इंस्ट्रूमेंट को जानने से पहले उस इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन जानना होता है, तब आप उस इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि आप Oruxmaps को जानने से पहले Oruxmaps के फाइल सिस्टम को ज़रूर जान लें, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में इस फाइल सिस्टम का बहुत काम आने वाला है। तो आगे देखते हैं कि Oruxmaps में फाइल सिस्टम क्या है। हेलो दोस्तों, मैं जयकौल आपके लिए लाया हूँ आज Oruxmaps में फाइल सिस्टम के बारे में। Oruxmaps को इंस्टॉल करने के बाद इंटरनल फ़ोन मेमोरी में Oruxmaps का एक फोल्डर बनता है। इस फोल्डर के अंदर में Oruxmaps को चलाने से संबंधित हेल्पिंग फाइल्स और या कहिए इससे संबंधित जितनी भी सारी सहायक फाइलें हैं इनके अंदर में मौजूद होता है। तो आइए एक एक कर देखते हैं Oruxmaps के अंदर में किस तरह के फाइल सिस्टम्स हैं और कितने फोल्डर बनते हैं, इन फोल्डर के भीतर क्या रहता है, इसकी क्या उपयोगिता है, और आज हम लोग देखेंगे कि इस फोल्डर के माध्यम से हम लोग Oruxmaps को किस तरह से चला सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Oruxmaps के फोल्डर से। Oruxmaps के इंस्टॉल करने के बाद इसका एक फोल्डर बन जाता है इंटरनल मेमोरी में। इसके अंदर में यदि हम एक्सप्लोर करेंगे, उसको देखेंगे, तो सबसे पहला जो फोल्डर है वो कर्सर है। कर्सर क्या करता है, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कर्सर कुछ नहीं, मैप के सेंट्रल हिस्से में देखिएगा कि एक क्रॉस टाइप का बनता है, एक टारगेट बनता है जो कि आपको मैप का केंद्र बताता है। तो ये एक प्रकार का कर्सर है। आप अपने हिसाब से कर्सर को बना सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इसमें से PNG फॉर्मेट में सेव किए गए फ़ोटो को आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी उपयोगिता कर्सर को बदलने में, अपने कस्टमाइज़ किए हुए कर्सर को रखने के लिए किया जा सकता है। इस फोल्डर के अंदर आप अपने डिफ़ाइन किए गए कर्सर को PNG फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। दूसरा है कस्टम वे पॉइंट्स। वे पॉइंट्स बनाते समय आपको वे पॉइंट का एक आइकन दिखता है। आइकन को अपने तरीके से बना करके हम इसके अंदर में रखते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, आपके दाहिनी ओर दिख रहा होगा कि वे पॉइंट को जो Oruxmaps बना करके देती है ये तो बहुत ही अच्छा है, परंतु आप अपने तरीके से भी इसको बना सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइज किए हुए वे पॉइंट्स को इस फोल्डर के अंदर रखना है। अगला है डिजिटल एलिवेशन मैप, अर्थात DEM। आप जब किसी नए हिस्से को ब्राउज करते हैं, मैप एरिया में देखते हैं, तो उस एरिया का डिजिटल एलिवेशन मैप यदि मौजूद हो तो ही आप उसके ऊंचाई और वहाँ की बनावट को 3D के रूप में आप देख सकते हैं। डिजिटल एलिवेशन मैप को डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा या आने वाले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि मैप सेक्शन की बात जब करेंगे उस समय मैं आपको DEM का महत्व और उसको डाउनलोड करने का तरीका भी बतलाऊँगा। तो फिलहाल यह समझा जाए कि DEM फोल्डर के अंदर में किसी हिस्से का डिजिटल एलिवेशन मैप डाउनलोड किया हुआ रहता है, जिससे कि आपको 3D व्यू दिखता है। जियोकैश से संबंधित फाइलें इस फोल्डर के अंदर रहती हैं। वास्तविक रूप से यह जियोकैश एक प्रकार का गेम है और एक्सप्लोरेशन के दौरान हम लोग अलग अलग तरह की युक्तियों को छुपा कर रखते हैं और उस जगह पे कोई भी व्यक्ति जा कर के उस गिफ्ट को ले सकता है और बदले में दूसरे गिफ्ट को रख सकता है, और ये जियोकैश है। जियोकैश का इन्फॉर्मेशन इस फोल्डर के अंदर में रहता है। अगला फोल्डर है मैप फाइल्स। मैप फाइल्स Oruxmaps चलाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप इसको यूँ समझिए कि जब भी आप किसी जगह का मैप डाउनलोड करते हैं, ऑफलाइन मैप को इसी मैप फाइल्स के अंदर रखा जाता है। तो ये सेव किया हुआ फाइल एक फोल्डर के रूप में मैप फाइल्स के अंदर रहता है। तो ध्यान रहे, जब भी आपको कभी भी मैप डाउनलोड करना हो तो उसको ब्राउज कर मैप फाइल्स के अंदर में ढूंढा जा सकता है। अगला है मैप स्टाइल। मैप स्टाइल क्या है, जब आप किसी मैप को अध्ययन कर रहे होते हैं, मैप के ऊपर में आपको इसकी बारीकियों को देखना है, या कहिए कि मैप की प्रकृति किस प्रकार हो, वो उसका एक स्टाइल होगा, ये स्टाइल मैप स्टाइल कहलाता है। आपको सामान्य अर्थ में समझाता हूँ। जिस प्रकार आप फ़ोन यूज़ करते हैं, अलग अलग थीम्स को यूज़ करते हैं, यह थीम्स आपके आइकन्स को चेंज करता है किंतु उसकी प्रकृति को नहीं। अर्थात जैसे आप कैमरा के आइकन से आप फोटो ले सकते हैं, तो हो सकता है कि पुराने वाले थीम्स में कुछ वो अलग दिख रहा था, अभी बाद में नए थीम में वो अलग दिखेगा, लेकिन काम कैमरा का ही होगा। तो इसी प्रकार से मैप स्टाइल क्या है, आप किसी खास क्षेत्र का मैप को यदि बना रहे हैं या वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको
अलग तरह से रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मैप के स्टाइल्स को डाउनलोड किया जा सकता है। ये ऑनलाइन मौजूद है, आप उसको ब्राउज करके देख सकते हैं, मैं लिंक में दे दूंगा। अगला फोल्डर है ओवरले। ओवरले क्या होता है? ओवरले किसी भी साधन को किसी भी सरफेस के ऊपर में रखना, तो ओवरले ड्राइंग्स हो या ओवरले किया गया किसी प्रकार का मैप, जैसे कि आपका कोई फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस के कोने में कुत्ता है और उस कुत्ते के आसपास के एरिया को आप रेड एरिया से दिखाना चाहते हैं, रेड जोन दिखाना चाहते हैं, तो आप एक ओवरले क्रिएट करेंगे। ये ओवरले को सेव जब करेंगे KML के रूप में तो इस ओवरले के अंतर्गत आएगा। तो ये है ओवरले, और ये ओवरले वाले ऑब्जेक्ट इसी ओवरले फोल्डर के अंदर में रहेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फोल्डर है पिक्चर्स। आपको याद होगा मैं पहले भी बताया हूँ कि फ़ोटो वे पॉइंट जब लेते हैं तब कैमरे की आवश्यकता होती है, और आप कैमरे से एक फ़ोटो क्लिक करते हैं जिसका कि वहाँ का लेट लॉन्ग उस फोटो में टैग हो जाता है। और उस मैप के भीतर में पिक्चर्स फोल्डर बनता है, और इसी पिक्चर्स फोल्डर के भीतर में आपके सभी फ़ोटो वे पॉइंट के थ्रू से वे पॉइंट बनाए गए जितने भी फ़ोटो हैं उसके अंदर सेव होगा। प्रेफरेंसेस, अगला फोल्डर है प्रेफरेंसेस। और उस मैप के भीतर में आप कोई ट्यूनिंग करते हैं, किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाते हैं, जैसे साइड बटन्स को आप कलर कर दिए, साइड बटन्स के अलावे आप अगर दे अपने कर्सर को चेंज कर दिए, या अपने डैशबोर्ड एरिया को अलग अलग सीक्वेंस में रखे हैं, तो इस प्रकार के परिवर्तन को आप एक फॉर्मेट में, एक प्रकार का सेटिंग्स में आप सेव करके रख लें ताकि आपको ये भविष्य में काम आए। और इस प्रकार से सेव किए गए जो भी नाम आप दे करके सेव करेंगे वो एक प्रोफाइल बन जाएगा। यही प्रोफाइल आपको इस फोल्डर में सेव रहता है, यानी कि प्रेफरेंसेस के अंदर में आपके तय किए गए जो फॉर्मेट्स हैं वो उसके अंदर में सेव रहते हैं। अगला है ट्रैक लॉग। ट्रैक लॉग क्या है? जब भी आप किसी मैप के ऊपर में कोई ट्रैक बनाते हैं, चाहे वो खुद से रूट के हिसाब से बनाते हैं, या आप पैदल चलकर या किसी मूवमेंट के दौरान आप ट्रैक रिकॉर्ड करके आप कोई ट्रैक बनाते हों, तो इस दोनों प्रकार से आप जब अपना ट्रैक को बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि अपना खुद का एक लॉग तैयार करता है। यह लॉग ट्रैक लॉग्स के भीतर में रहता है। आप अपने ट्रैक्स को एक्सपोर्ट कर KML या KMZ या GPX फॉर्मेट में जब भी सेव करेंगे तो इसी फोल्डर के भीतर में यह सेव रहेगा। तो आज आपने जाना Oruxmaps में फाइल सिस्टम किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से फोल्डर हैं, इनका क्या काम है, इसकी बाद में क्या उपयोगिता होने वाली है, आप लोग बाद के क्लासेस में देख पाएंगे बढ़िया से। और फिलहाल ये इंट्रोडक्टरी था कि इसके अंदर में किन किन तरह का फोल्डर बन सकता है, इसका क्या काम है। तो Oruxmaps के फाइल सिस्टम पर आधारित ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग अब तक सब्सक्राइब कर हमसे नहीं जुड़े हुए हैं तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद ही आपको नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और अब तक वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।